वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रियलमी का C21Y मॉडल नंबर फ़ोन आया हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम है गाइस, इसका पावर की वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस यहां पे मैं चार्जिंग प्लगिंग करके आप लोग को दिखा देता हूं कि यहां पे जो गाइस हमारा चार्जिंग प्लगिंग करने से डिस्प्ले लाइट चालू हो रहा है, और जो है गाइस इसका पावर बटन जैसे प्रेस कर रहे हैं तो ये फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका गाइस जो प्रॉब्लम है, ये पावर बटन है ख़राब। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फ़ोन ये कंप्लीट चालू है लेकिन इसका पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो गाइस इसके पावर बटन को हमें ठीक करना होगा। तो कैसे ठीक करना है, चलो आज इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो पहले गाइस इसका सिम ट्रे बाहर निकाल लेते हैं और इसका जो पीछे का पैनल है इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस इसे ओपन करने के लिए आपको ट्वीजर से हल्का हल्का यहाँ साइड पर प्रेस करना है चारों तरफ, और ये ऑटोमेटिक जो है हमारा बैक पैनल है ये बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस ये पैनल हमारा यहाँ पे निकल चुका है। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम है, ये हमारा पावर की वर्क नहीं कर रहा है। और गाइस इसका मॉडल नंबर जो है रियलमी C21Y। तो गाइस इसका जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो गाइस इसका पावर की बटन लगा हुआ है, ये पावर की बटन ख़राब है। तो यहाँ पर गाइस ये ख़राब होने का जो कारण होता है, ये वाटर डैमेज होने को जैसे जो गाइस इसमें मॉइस्चर पकड़ लेता है और ये प्रॉब्लम हमारा बनता है, वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पे गाइस इसको मैं नया नहीं लगाऊंगा, इसी को रिपेयर करूंगा। तो कैसे रिपेयर करना है आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो है आपको ट्वीजर से हल्का सा स्क्रैच कर देना है, और स्क्रैच करके गाइस जो इसके अंदर का हमारा जो लगा हुआ ऑन ऑफ की के पास एक छोटी सी टिकली होती है, वो टिकली को आपको बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद गाइस जो वहाँ पे हमारा जो बटन का पॉइंट बना हुआ, उससे अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद गाइस जो ये हमारा बटन होता है टिकली, ये टिकली को भी अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। और क्लीन करके गाइस जो है इसी को यहाँ पे बैठाएंगे। कभी भी गाइस अगर आप लोग यहाँ पर टिकली को बटन को ऑन ऑफ की को नया डालते हैं, जो ऑन ऑफ की का जो एक बटन आता है उसे नया लगाते हैं, तो गाइस वो बाद में फिर प्रॉब्लम बन जाता है, फ़ोन हमारा सेम प्रॉब्लम बन जाता है, वर्क नहीं कर रहता है। तो यहाँ पे गाइस इस टिकली को खाली मैं जो है हल्का सा क्लीन करके इसे वापस लगा के आप लोग को कंप्लीट चालू करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते गाइस ये टिकली हमारा पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है मैंने। और गाइस जो यहाँ पर हमारा बटन लगा है जहाँ से हमने टिकली निकाला पावर की का, वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। कभी भी गाइस अगर आप लोग देखेंगे तो ये वर्क नहीं करता, तो उसे जैसे ही आप टिकली निकालोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी मॉइस्चर लगा रहेगा, जंग लगा हुआ रहेगा, उसे आपको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। और वापस गाइस आपको टिकली को भी क्लीन करके उसको वापस उसी जगह पर बैठा देना है, और इसके ऊपर हल्का सा आपको टेप लगा देना है। तो गाइस ये जो हमारा प्रॉब्लम होता है, ये टिकली वर्क नहीं करता है, ये 100% वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने इससे पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, और क्लीन करने के बाद गाइस इस टिकली को वापस यहाँ पे बैठा दिया है परफेक्ट। और गाइस यहाँ पे जो है इसे फिक्सिंग करने के लिए हम टेप यूज करेंगे, तो उस टेप को आपको हल्का सा यहाँ पे लगा देना है, जिसके कारण वो हमारी टिकली इधर उधर हिलेगी नहीं, और ये हमारा ये पावर की है ये 100% वर्क करने लगेगा। यहाँ पर जो है गाइस आप अच्छी तरह से आपको बैठा देना है। तो देख सकते हैं मैं इसे किस तरह बैठा रहा हूँ। अभी जो है गाइस आपको टेप लेना है, हल्का सा टेप आपको यहाँ पे मार देना है। मारने के बाद गाइस ये जो हमारा वो ऑन ऑफ की काम नहीं कर रहा था, ऑलमोस्ट कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो जिसके ऑन ऑफ की काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह गाइस इसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैं इसे टेप अच्छी तरीके से मार लेता हूँ, और मारने के बाद गाइस आप लोग को जो ये प्रॉब्लम था ये 100% काम करने लगेगा। तो यहाँ पे गाइस इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम था, हमारा ऑन ऑफ की काम नहीं कर रहा था, वाटर डैमेज होने के कारण जो है गाइस इसका ऑन ऑफ की बराबर काम नहीं कर रहा था, पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा था। तो देख सकते हैं गाइस ये जो बटन था हमारा, ये प्रॉपर एकदम कंप्लीट हो चुका है, और ये जो हमारा डिस्प्ले लाइट है ये प्रॉपर अभी काम करने लगा है पावर बटन से। तो आपको बैक पैनल आपको फिटिंग कर देना है, और फिटिंग करने के बाद गाइस आप देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम था ये 100% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे गाइस जो यह फ़ोन में ऑलमोस्ट कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो जिसका पावर बटन काम नहीं कर रहा है, तो आपको खोल के उसका टिकली को अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है, और आपका ये जो प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगा। गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह गाइस आपको डेली एक नया वीडियो मिलता रहेगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।